बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है कि हम बैंगन और आलू का सालन बना रहे। सारे बैंगन आलू का मेरे तरीके से। मटन 250 ग्राम मटन है। यह है कि 250 ग्राम बैंगन और आलू है। दो मीडियम साइज़ के प्याज, तीन टमाटर की प्यूरी, एक गरम ये ड्राई मसाले, दो चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक प्याज और खोपरे का मसाला है। ऑलरेडी हमारे पास पिसियाला था तो हमने रखे हैं। प्याज तीन से चार चम्मच, तेल और एक कोथमीर। अब मेरे तरीके से बनाते हैं। हम पहले मटन को उबाल लेना है। दो प्याज डालना है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा से एक गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। उसको दो से तीन सीटियाँ लेके लेना है। उसको अच्छे तरीके से उबाल लेना है। पहले उबाल लेंगे। फिर बैंगन काट रहे हैं हम और इसमें पानी लिए हैं और थोड़ा जैसा नमक डालना है। थोड़ा नमक डालना है। आलू और बैंगन काले के आलू को ऐसा छील ये आलू हमने आलू छील लिए है ऐसे। अब इसको कट कर एक आलू के चार कर रहे हैं और संगाठी पानी और पानी के नमक के पानी में डाल देना है। आलू और बैंगन का लेना होता है। अभी बैंगन काट रहे हैं। ऊपर की मसाला डालना है, एक थोड़ी ये हटाना है। पांच वाली पूड़ी है, एक थोड़ी डालना है। ऐसा चिरना है, कीड़ा है क्या देखना है, चेक करना है। पानी में डाल कर रखना है, काले नहीं होते। चुका है हमारा मसाला। आलू और बैंगन को ऐसा हमने काट ली है। मटन प्याज बैंगन डालना काट ली है, ये डाल देना। अब इसको बनाते हैं। एक सेकंड के लिए ये भगोना रखे हमने। अब सालन बना रहे हैं। इसमें तीन से चार चम्मच तेल डालना है। तेल अच्छी तरीके से गरम। ये गोश्त उबल चुका है हमारा मटन अच्छी तरीके से। ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें एक चम्मच शाह जीरा, एक चम्मच जीरा, लौंग और दालचीनी डालना है बघार। अच्छे से लाल होने देना है। ये खड़े मसाले लाल हो चुके हैं। अब एक चम्मच अदरक लहसुन डालना, हमने गोश्त में भी डाले थे। इसका कच्चापन खत्म हुए तक इसको भूनना है। ये अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है।
एक खोपरा और प्याज का मसाला डालना है। ऑलरेडी हमने पहले पीस के रखे थे, एक सेकंड के लिए भूनना है। अब इस चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। गोश्त में भी नमक डाले थे और देख के डालना थे अपने हिसाब से। अच्छे से मिक्स करना है। एक से दो सेकंड इसको अच्छे से मसाले से भूनना है। ये मसाले हमारा तेल छोड़ चुका है, एक से डेढ़ सेकंड हो चुके हैं। ये अब टमाटर की प्यूरी बनाए लिए डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। अब ये पान चुके तक, तेल थोड़े तक उसको भूनना है मसाले। एक से दो मिनट हो चुके हैं, हमारा प्याज और मसाला भून चुका है, एकदम तेल छोड़ चुका है। अब ये बादशाह मसाला, ये बैंगन धो चुके हैं हमने दो से तीन पानी में। बैंगन आलू धो चुके हैं, नमक करके पानी में रखे थे हमने, अच्छे से धो कर लिए एक से दो पानी से। अब इसमें डाल देना है, अच्छे से भूनना है इसको। बिल्कुल भी पानी डालना नहीं और धीमी आंच कर देना। धीमी आंच पर 5 मिनट ढककर पकाना है। अच्छे से भून चुके हमने आलू और टमाटर, आलू और बैंगन को अच्छे से भून लिए मटन में डाल के मसाले में। अब धीमी आंच पर 5 मिनट ढक कर उसको पकाना है, एकदम धीमी आंच पर 5 मिनट। ये 5 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पर पकाए थे हमने। थोड़े बहुत गल चुके हमारे आलू और बैंगन, फिर से रखना पड़ेगा। बीच चेक करो कि नीचे से दाग लग जाएगा, बीच में से ज़रूर, बीच में 5 मिनट के बाद चेक करो। थोड़ा जैसा पानी डालेंगे, फिर से 5 मिनट धीमी आंच पर पकन देंगे बैंगन को और आलू को गले। ये हमारे चावल पक रहे हैं और ये 5 मिनट और फिर से हो चुका है। ये बैंगन और आलू गल चुके हैं हमारे अच्छे तरीके से, ये हमारे भून चुके हैं। बैंगन भी गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं, मसाला अच्छा भून चुका है। अब इसमें गाढ़ा पतला अपने हिसाब से शेरवा डालना है। मिक्स करना है। नमक चेक करना है, थोड़ा नमक कम दिख रहा है हमको, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा जैसा गरम मसाला। एक बार चला लेना है। अब एक उबाल आए तक पका देना है, एक उबाल आए तक। ये हमारा बैंगन का सालन और चुका है, अब डिश आउट करना है। इधर ज्वारी की रोटी भी बन चुकी है और खाना बन चुका है हमारा। अब इसको सर्व करके बताते हैं कर रहे हैं। ये बन चुका है आलू गोश्त मटन का मसाले का सालन। ये बन चुका है मटन आलू बैंगन का मसाले का सालन, लजीज
ऐसी रेसिपी एक बार ट्राई कर देखो। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।